Shit. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो मैं रियाज, और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th वाला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी सुबह हो चुका है, हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं, सामने और दो टेनार खड़ा हुआ है। चलिए बाइक के ऊपर बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। आज बहुत सारे भाई लोग आया है, तो जाके देखते हैं कि कौन आया है नहीं आया है। आज का राइड सेफली हो, अच्छे से हो, यही दुआ कीजिएगा। और जाते जाते जो कुछ भी आता है कैमरे के सामने, सब कुछ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए वार्म अप करते हैं ग्रीनी को। ये हो गया ग्रीनी मेरा स्टार्ट। आई होप माइक का कोई इशू नहीं आ रहा है, माइक ठीक ठाक काम कर रहा है और आप लोगों को ठीक ठाक साउंड का क्वालिटी सुनाई दे रहा है, और कैमरा एंगल भी ठीक ठाक ही है। तो आज का राइड फारू होने वाला है। चलिए फारू वाला राइड करते हैं, बस अच्छे से करना है और अच्छे से घर भी आना है। चलिए चालू करते हैं, बिस्मिल्ला। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन आप सबको। अच्छे से रहिएगा, ठीक ठाक रहिएगा, किसी भाई को राइड भी करना है तो अच्छे से कीजिएगा। आज डानकुनी टोल प्लाजा में रुकेंगे पहले अभी जाके, फिर उसके बाद आज़ादीन पे जाएंगे, एक राउंड मारेंगे, फिर वहाँ से सीसीडी में रुकेंगे और रुक के फिर घर आ जाएंगे। छोटा सा इंडिपेंडेंस वाला राइड, क्योंकि आधा दिन में भीड़ बहुत होता है, क्राउड बहुत होता है, और उतना क्राउड में राइड कर नहीं पाते हैं, और दिक्कत भी होता है बहुत, बाइक गिर जाने का, इधर उधर हो जाने का। और आप लोग सोच रहे हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, कुछ इधर उधर होते रहता है सब कुछ। तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा और टाइम ले आएगा। तो थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दी ब्लॉग आएगा, फिर से आएगा, टाइम ले आएगा। और ये विशाल भाई भागते हुए, और ये अपना वासिम भाई, ऐसे प्रोजेक्ट का लॉन्ग कैन, इसीलिए साउंड थोड़ा कम आ रहा है। तो आज इंडिपेंडेंस डे में थोड़ा ये सब चलते रहता है, मगर कंट्रोल अपने ऊपर है, तो थोड़ा कंट्रोल करके सब कुछ करना है, नहीं तो थोड़ा डिसबैलेंस हुआ और दुर्घटना घटी। तो अच्छे से चलवाना है, अच्छे से चलाना है गाड़ी, और डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सबसे अच्छा बात है। तो हम और विशाल भाई जाते हुए, बाकी भाई लोग भी है, हम लोग आ चुके हैं डानकुनी टोल प्लाजा में।
तो आज का सीन कुछ ऐसा है, भीड़ इतना है और देखते हैं क्या होता है नहीं होता। हम बाइक के उतरने का कोई जगह नहीं है क्योंकि आज बाइक से उतरेंगे तो बाइक गिर सकता है, इसलिए बाइक से नहीं उतरेंगे आज, आज बाइक में बैठे लेंगे। हाय, हाँ थैंक यू। কি খবর? ভালো। ইয়েস ভাই। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। चलते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कितना तक जा पाते हैं। बस आप लोगों का दुआ और अल्लाह का रहमत से एकदम अच्छा होगा सब कुछ। अभी चल रहे हैं आज़ादीन की तरफ, फिर वहाँ से चलेंगे सीसीडी, क्योंकि आज़ादीन में जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताए थे कि रुक नहीं पाएंगे। आज़ादीन में नॉर्मली बाइक को थोड़ा एड्रेस देके फिर उसके बाद वहाँ से एक राउंड लेके सीसीडी आ जाएंगे, क्योंकि क्राउड जहाँ पर रहता है डर वहाँ पर ज़्यादा लगता है। अच्छा लगता है ऐसे देखने में कि नॉर्मली सब लोग एक साथ में इतना अच्छे से जाता है, तो वेरी थम्स अप टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से राइड करना, ठीक से राइड करना। Here is the guy. तो भाई जो स्टंट कर रहा था ना, उसको करने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है बाइक के ऊपर खड़े हो जाना ऐसे करके। और ये सब भाई जो जा रहे हैं ना पूरा सो के एकदम खींचते हुए, ये देखिए ऐसा मत कीजिए, अच्छे से चलाइए बाइक को, प्यार करके चलाइए और राइड का फील कीजिए। वैसे सो के पूरा खींच के चलाने में मज़ा नहीं आता है। शिट 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 गाइस, शिट 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 शिट। थोड़ा ना आगे दो, पानी डाल दो, पानी डाल दो, फुल लो माइक। एक टू पानी और मुखे दिए छो, सिग्नल दे
একটু পানি দাও, একটু খাক, একটু পানি দাও, একটু পানি, একটু এইগুলো একটু আনি দাও। আস্তে 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 এখানে আশেপাশে কোথাও কিছু আছে, মেডিকেল কিছু আছে? ও এইখানটা মনে হয় ফেটে টেটে গেছে, মনে হয় দেখো রক্ত বেরোচ্ছে অনেক, থুতনিটা ফেটে গেছে ইমিডিয়েট। রুমালটা ওখানে চেপে ধরো দাদা, রুমালটা ওখানে চেপে ধরো, ভাই কিচ্ছু হয়নি, ওকে বাইকে নিয়ে নাও, যেতে পারবে। হ্যাঁ তুই কি দেখিস না, কিচ্ছু হয়নি, রুমালটা ভেজাও, রুমালটা জলে ভেজাও, থুতনিটা তুমি চেপে ধরো রুমালটা, ঠিক আছে? কিচ্ছু হয়নি, ওকে নিয়ে যাও, ওকে বাইকে তুলে নাও, আস্তে আস্তে ওকে ধরে বাইকে তুলে নাও, আর কোনো মেডিকেল স্টোরে নিয়ে যাও এক্ষুনি। আছে আছে, ওর সাথে আছে তো, ইমিডিয়েট তুলে নাও, তুলে নাও, ওখানে বাইকে তুলে নাও, একটা বাইক, ওর বাইক থাক, ওখানে বাইকে নিয়ে নাও ভাই, ভয় পাস না, কিছু হয়নি, একটু খেটে দিয়ে কিছু হয়নি, বেঁচে গেছি, গিয়ে ডাক্তার দেখে নিয়ে হয়ে যাবে, ওকে বাইকে তুলে নাও, ভাই এখানে বসে না, বাইকে তুলে নাও, ওকে অ্যাডমিন কে বলো না। আচ্ছা এই তো ফোন করেছে, বেশিক্ষণ এখানে দাঁড় করিও না, ঠিক আছে, পুলিশ টুলিশ এসে গেলে প্রবলেম হয়ে যাবে, আস্তে করে ওকে তুলে নাও বাইকে, ওকে ধরো, ওকে ধরো ধরো, ঠিক হয়ে যাবে দাদা, তুমি জাস্ট এক্ষুনি পড়েছো তো ওই জন্য কষ্ট হচ্ছে। সিন বহুত খারাপ হয়ে চুকা হ্যায়, বন্দা গির চুকা হ্যায় পুরা, ওকে ইমিডিয়েট ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাবে, খুব একটা চোট হয়নি, না এইটা জাস্ট ফেটেছে, তলাটা ফেটে গেছে, তলাটা ফেটে গেছে এইটা, এই জায়গাটা ধরে বসো, ধরে বসো, আর এইটা রুমালটা এখানে থুতনিতে দিয়ে রাখবে, ঠিক আছে, রুমালটা থুতনিতে দিয়ে রাখবে, একটা হাত ওকে ধরে নাও, একটা হাত ওকে ধরে নাও, ঠিক আছে, একটু আস্তে চালাবে, পিছনে খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে, ওর হ্যাঁ 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 একটু ধরে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, এই সময় পড়েছে তো মাথা টাথা ঘুরতে পারে, পানিটা এখানে এই এই রুমালটা এখানে ধরে রাখো জাস্ট, না না তুলো দিও, আটকে যাবে তুলোটা, তুলো রক্তে আটকে যাবে, তুলো দিও না, আস্তে আস্তে যাবে দাদা, তোমরা তোমরা এত বলো কি বলো বলো, কিছু করার নেই, যার নসিবে আছে হয়ে যাবে গো, হ্যাঁ হ্যাঁ চলো, thank you.
गाड़ी का कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका है, मतलब मालूम ही नहीं चला वो बंदा कैसे गिर गया, पूरा गिर के एकदम रोड का मिडिल में आ चुका था और एकदम ब्लड ब्लड हो रहा था, मतलब उसका जो चिन था ना, चिन से पूरा टूट के ब्लड निकल रहा था और शायद उसका जो चिन था, चिन फट भी गया था। तो इसीलिए बोल रहे थे गाइस थोड़ा धीरे चलाइए, थोड़ा देख के चलाइए और आहिस्ता चलाइए, क्योंकि सुपर बाइक में हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, नॉर्मल बाइक में कंट्रोल करना बहुत दिक्कत है और सुपर बाइक में भी बहुत सारा टाइम बहुत इधर उधर हो जाता है। तो थोड़ा अच्छे से चलाइए, थोड़ा ठीक से चलाइए जिसमें दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो देख के कैसा हो रहा है अंदर पे, कैसे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है देख के उनको, कि वो बंदा जो बीच के मतलब रोड के ऊपर में रोड का बीचों बीच पड़ा हुआ था, अल्लाह का लाखों लाखों शुक्र है कि कोई ट्रक या बस या कार कुछ भी बीच में नहीं आया, नहीं तो उसके ऊपर से चला जाता, क्योंकि आज स्पीड बहुत ज्यादा है सब बाइक्स का। और ये हम लोग आ गया है आजादी का जश्न मनाने। बाप रे बाप गाइस, क्राउड देखिए, मतलब इतना सारा क्राउड कहाँ से आ गया, पूरी बाप रे, आज तो पागल हो जाएंगे यहाँ पर। गाइस ये तो हर साल होता ही है, ये नॉर्मल है हम लोगों के लिए, ये तो हर साल हम लोग देखते ही रहते हैं, ये एकदम ही नॉर्मल है हम लोगों के लिए, ऐसा क्राउड होते ही रहता है हर साल, तो ये शायद नॉर्मल बात है, मगर इतना क्राउड, हाय 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 हाय, কখন এসছো? কখন দেখে যা, অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে যাবে না, হায় হায় গাইস, গাইস গাইস অর গাইস, ইয়ে কহাঁ আ চুকে হ্যায় হাম। थैंक यू, हाजमे टोटल टमाटो।
थैंक यू। क्यों जगह कोई जगह कोई बाइक टाइम कोथाय इंडिपेंडेंस डे वाला राइड अभी तक ठीक ठाक है। दुआ कीजिए कि पूरा राइड अच्छे से हो। आज आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला। मैं इतना दिन यूट्यूब से डिटैच था, मगर फिर भी सोचा नहीं था कि आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा। इतना सारा भाई मीट करने के लिए आया, इतना सारा भाई फोटोग्राफ्स खींचे कि क्या ही बताए। आप लोगों का यही प्यार सबसे अच्छा लगता है और दिल में लगता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना प्यार जताने के लिए। तो गाइस चलिए घर चलते हैं, और आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा राइडर बॉय रियाज। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और नीचे स्क्रीन पे भी नाम आ रहा है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं खींचते,
ठीक ठाक रहिए, अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से अच्छा वाला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।